एक अप्रैल से बदल रहा नियम, यहाँ देखें पूरी जानकारी। 1 अप्रैल 2021 से निजी कंपनियों के कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी। नए श्रम कानून के मुताबिक अब कुल सैलरी में भत्तों का हिस्सा 50% से ज्यादा नहीं होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 से नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके अनुसार नौकरी करने वालों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं नया श्रम कानून क्या है और इसमें क्या बदलाव आएगा। श्रम से जुड़े हुए 29 कानून हमारे देश में थे, जिसे भारत सरकार ने अगस्त 2020 में घटाकर 4 कर दिए। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिल सकती है। अगर कोई कर्मचारी 4 दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे 3 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक कर्मचारी की 48 घंटे ही काम करना होगा। ऐसा कानून और स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के 8 घंटे बढ़ाकर 12 घंटे करने होंगे। यानी कि यदि कोई 8 घंटे काम करता है तो उसे 12 घंटे काम करना होगा। यदि 12 घंटे के हिसाब लोग काम करने लगे तो अधिक छुट्टी के दिन मिल जाएंगे। इस कानून में प्रावधान कर दिया गया है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी मासिक CTC की 50% होनी चाहिए। इन नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को कुल वेतन का 50% से अधिक हिस्सा भत्ते के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता। ऐसे कम हो जाएगी आपकी सैलरी। इस कानून के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50% से कम नहीं होगी और बाकी 50% ही भत्ते के रूप में दिए जा सकेंगे। अभी तक कंपनियां 50% से अधिक की राशि भत्तों के रूप में देती थी। PF पर पड़ेगा असर। पहले लोग बेसिक सैलरी कम करवाकर अलाउंस बढ़वा लेते थे, जिससे टैक्स में छूट मिल जाती थी और प्रोविडेंट फंड भी कम घटता था। इससे इनहैंड सैलरी बढ़ जाती थी, लेकिन अब बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी PF उतना ज्यादा कटेगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।